मुझे उसकी छड़ी तक पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? सब कुछ अजीब हो गया है, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब जादूगरनी तक पहुँच के उसकी छड़ी लेनी होगी, शायद ये काम आएगा। शुक्रिया चुटकी। शाबाश चुटकी, शाबाश। अब हीप को मेरे पास ले आओ। महाराज, अब हीप ने भी अपनी शक्ति खो दी है। जग्गू जैसा तेज होता तो कितना मजा आता। राजू, मुझे यकीन है तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। किसी ने मेरा नाम लिया। मैं हूँ इच्छा वृक्ष। मेरा एक आम खाओ और कुछ भी मांगो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। पैरों के निशान। मेरी इच्छा है कि मैं हवा से भी तेज बन जाऊं। मैं तो पक्षी की तरह उड़ना चाहता हूं। मैं दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी से भी 10 गुना ताकतवर बनना चाहता हूं। ये क्या? ये मेरा घर है, चलो हटो। मैं हूँ सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे खूबसूरत। हे, ये तो मेरी इच्छा थी। वो पेड़ तो उस दुष्ट जादूगरनी ने ढोलकपुर वासियों को फंसाने के लिए खड़ा किया था। क्या खुशबू है। महाराज, कहते हैं कि ये फल खाने से आपकी कोई भी इच्छा पूरी हो सकती है। अच्छा, मैं चाहता हूँ। महाराज, बहुत देर हो चुकी है भीम। महाराज ने खो दी है अपनी एक अमूल्य चीज, अपनी प्रजा की वफादारी, और वो मुझे मिल गई है। मुझे ढोलकपुर पर राजा इंद्र वर्मा ही राज करेंगे। तुम मेरे पास कभी नहीं पहुंच पाओगे भीम। अब ढोलकपुर मेरा, मेरा, मेरा। मुझे उसकी छड़ी तक पहुंचना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? सब कुछ अजीब हो गया है, सब तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। अब जादूगरनी तक पहुंच के उसकी छड़ी लेनी होगी, शायद ये काम आएगा। शुक्रिया चुटकी। शाबाश चुटकी, शाबाश। अब हीप को मेरे पास ले आओ। महाराज, अब हीप ने भी अपनी शक्ति खो दी है। कभी नहीं। देखना चाहती हो मेरी शक्ति? पर चुटकी, ये तो हमारी योजना थी भीम को तुम तक पहुंचाने की। कोई भी जादू हमारी दोस्ती को नहीं छीन सकता। तुमने मुझे धोखा दिया, तुम नहीं बच पाओगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी बच्चों। धन्यवाद राजू। सिपाहियों, उस जादूगरनी को काल कोठरी में डाल दो। बच्चों, इस जादुई दरवाजे के पीछे है एक अजूबा सोने का फूल। कल मैं अपनी प्रजा को भी इसे देखने का मौका दूंगा, और उस अवसर के लिए क्या तुम सब एक गाना प्रस्तुत कर सकोगे? महाराज, हम आपके लिए एक खास गाना लिखेंगे। महाराज, मेरी कविता तो सबको हिला के रख देगी। ढोलू बोलू। ओ, 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 ओ,
चलो तुम बच्चों को भी वो अमूल्य रत्न दिखाता हूँ। महाराज यहाँ तो कोई भी आ सकता है। चिंता मत करो राजू, ये दरवाजे का दर्पण जादुई है, पहचाने चेहरों के लिए ही खुलता है। महाराज, बच्चों, आपका स्वागत है। ये सही मौका है रत्न को चुराने का, जो और सो, चलो। मैं आपका सिपाही नहीं, डाकू शेर पंजा हूँ। और हम हैं कराटे के उस्ताद, जो हुआ और सो हुआ। चुप रहो, मैं तुम सबको अभी दिखाता हूँ, रत्न मेरा ही होगा। इतनी जल्दी क्या है? तुम नहीं जानते तुम किससे टकरा रहे हो बच्चों, मैं हूँ डाकू शेर पंजा। और हम हैं ढोलकपुर वासी। भागो भागो। मैं भीम को नहीं छोड़ूंगा। भीम, तुम्हारी बहादुरी का सच में कोई जवाब नहीं। महाराज, मैंने भी इतना मारा। आंख बंद करके मारते हो कालिया, हाँ? चलो बच्चों, अब देखते हैं सोने का फूल। महाराज को यकीन कब होगा कि मैं ही हूँ ढोलकपुर का शूरवीर? कैसे पता चला? अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था। अरे पार लगा दे रे। वाह बबुआ वाह, बहुत ही हिम्मत है तुम लोगन में। क्यों बाबा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा है कि कोई उस गुफा में जाए की हिम्मत ही नहीं करेला। सुना है अजीबोगरीब खतरा है वहाँ। कैसा भी खतरा क्यों ना हो, मैं उसकी चटनी बना कर रख दूंगा। तो ठीक है बचुआ लोग, ऊ रही गुफा, संभल के जाए हैं। जी शुक्रिया। हम तुहारी यही इंतजार करेला। संभल कर चलना दोस्तों। ठीक है भीम। रुक जाओ कालिया, दीवारों पर जो छेद हैं ये मुझे सही नहीं लग रहे, हमें हर कदम फूक फूक कर रखना होगा। भीम, ये गुफा तो जानलेवा खतरों से भरी पड़ी है। हाँ भीम, अच्छा हुआ कि तुमने कालिया को रोक लिया। हाँ, नहीं तो पता है आज उस्ताद की शिकायत हो जाती। संभल कर आना दोस्तों। आराम से। वो देखो जादुई भाला। कितना शानदार है। हाँ, तभी तो इसे पाना इतना मुश्किल काम है। पर उस भाले तक पहुँचेंगे कैसे? हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। भी? नो।
भीम की जय हो, भीम की जय हो, भीम की जय हो। बिचवा, बहुत साहस दिखाई तुम लोगों ने। तुम सब अपना ख्याल रखना, सब संभल कर जाना है। आप फिक्र मत कीजिए बाबा, हम जीत कर ही आएंगे। जय हो, जय हो, विजय हो, मंगलमय हो, जय हो। कितनी सुंदर जगह है, मन करता है यहीं बस जाऊं। हाँ चुटकी, मेरा भी मन ऐसा ही कर रहा है। मेरा भी। पर पहले हमें उस डायनो असुर को ढूंढना होगा। ये किसकी आवाज है? ये तो छोटा सा बच्चा है। हाँ चुटकी, हम इस पर हमला कैसे कर सकते हैं? करना तो पड़ेगा भीम, क्योंकि देखो ये कितना खतरनाक है। उन्हें छोड़ दे। ए डायनोसर, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? इस पहाड़ पर उगने वाले फल और बांस ही मेरा खाना है, और वो भी मुझे कम पड़ जाता है क्योंकि मेरा पेट इतना बड़ा है। उस पर भी गांव वाले सारे फल और बांस को काट कर ले जाते हैं, और उसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है। पर तुम गांव वालों पर हमला क्यों करते हो? मैं कोई हमला वमला नहीं करता, पर अगर वो लोग यहां आकर मेरा खाना चुराना बंद कर दें, तो मैं नीचे जाना बंद कर दूंगा। ओह, तो ये बात है। अच्छा ठीक है डायनोसोर, मैं तुम्हारी और गांव वालों की ये परेशानी आज ही दूर कर दूंगा। चलो मेरे साथ। हाय, हे भगवान, ये डायनोसोर भीम के साथ। महाराज, ये कोई दानव नहीं है, बल्कि एक छोटा मासूम बच्चा है। दरअसल महाराज, ये पहाड़ इसका घर है, और इस पर उगने वाले फल और बांस की लकड़ी इसका खाना है। पर गांव वाले अक्सर पहाड़ से फल और बांस काट कर ले आते हैं, जिससे इसे कई कई दिन भूखा रहना पड़ता है। और जब इससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तब ये नीचे आके गोदाम से फल और बांस खा लेता है, और इसके बड़े आकार की वजह से झोपड़ियां और फसलें बर्बाद हो जाती हैं। और तो और, गांव वाले और सेना इस पर हमला कर देते हैं, जिससे ये गुस्से में वापस हमला कर देता है। आज से कोनो गांव वाला पहाड़ से फल और बांस की लकड़ी नहीं लावेगा, हैं? खाली जलाए खातिर सूखी लकड़ी ही लावेगा। और मैं भी आज से किसी भी गांव वाले को और गांव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आवाज नहीं, आवाज नहीं। भीम के घर में सबको सो जाने दो, फिर हम अपना काम करेंगे। ये लो। अरे, ये कौन छोड़ गया? गुड मॉर्निंग। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कोई यहाँ ये तोहफा रख के गया है। देखते हैं इसमें क्या, किसने भेजा है? देखते हैं, देखते हैं। खोलो खोलो, पहले खोलो तो सही। Thank you.
कालिया, ये तुम्हारा मुंह क्यों भूरा पड़ने लगा? भीम, तुम्हारा भी, राजू, जग्गू का भी। सोचना होगा वरना खतरे बढ़ते ही जाएंगे। दरवाजा खोलिए। हाँ, कौन है? बच्चों, ये क्या हो गया तुम सबको? किसने किया ये सब? प्रोफेसर धूमकेतु अपनी टाइम मशीन यहाँ मरम्मत के लिए छोड़ गए थे। इससे हम समय में वापस पीछे चले जाते हैं। देखो, चॉकलेट का डिब्बा अभी वहाँ नहीं है। हम सब छुपकर इंतजार करेंगे। देखते हैं कौन आया था। चॉकलेट्स के लिए शुक्रिया, पर मुझे मिलावटी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं। होशियार हो तुम, पर मुझसे ज्यादा नहीं। तो मेरी बबल गम का वार ही सही। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियां छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। महाप्रभु हिसार्क। महाप्रभु हिसार्क, मुझे माफ कर दीजिए, हड़बड़ी में मुझे ये याद नहीं रहा। जो मेरी इज्जत करना भूल जाता है वो खुद याद बनकर रह जाता है। स्काई ड्रैगन ने वही गलती की। अपनी सफलता के घमंड में वो खुद को इतना बलवान समझने लगा कि उसने अपने महल का सुरक्षा कवच हटा दिया। वो भूल गया था कि आकाश में एक और ताकतवर जीव है जो उसकी बराबरी कर सकता है, जो उससे बदला लेना चाहता है, और वो धनुष का जिक्र करना काफी अजीब था। पहले वो पुरानी कहानी। कई बार कहानियाँ हकीकत से जुड़ी होती है भीम। आप? हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। न जाने वो क्यों और कैसे गायब हुआ,
क्या सोच रहे हो भीम? यही कि तलाश कल से शुरू करें या आज से? चाहते हैं, क्या तुम उन तक हमारा ये संदेश पहुंचा सकते हो? भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ, वहीं बाकी बातें करेंगे। सार्क, वो बड़ा ही क्रूर था। उसने हमारे कस्बे पर कब्जा करना चाहा। स्काई ड्रैगन ने हमारी मदद की। उसने अपनी जादुई शक्ति की एक घूंट हमारे अंदर घोल दी और हमने इसका इस्तेमाल करके ऐसे यंत्र बनाए जिससे हमारा नगर हेजार्क से सुरक्षित रह पाया। वाह, स्काई ड्रैगन ने अपनी शक्ति आप सबके साथ बांटी। हमारा पूरा वंश स्काई ड्रैगन का आभारी है। उसको छुड़ाने में हम सभी आपके साथ रहेंगे। शुक्रिया। दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जावार, तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। इसने तो समंदर की सारी खूबसूरत चीजों को बदसूरत और डरावना बना रखा है। न जाने उसने स्काई ड्रैगन का क्या हाल किया होगा। घबराओ मत, हम जल्द ही स्काई ड्रैगन को छुड़ा लेंगे। गलत, ना तो स्काई ड्रैगन यहाँ से बच के निकल पाएगा और ना ही तुम। Thank you.
जैसे दोस्त का भरोसा जो है मेरे पास। तुम कैसे निकल आए तुम? पर कैसे? तुम्हारी अच्छाई के जादू से। अब दिखा दो उसे अपनी ताकत। चुटकी, इन्हें जितना भी देखो मन ही नहीं भरता। तुम्हें कौन सा सितारा सबसे अच्छा लगता है चुटकी? वो वाला। और राजू तुम्हें? मुझे तो मेरे चंदा मामा ही सबसे अच्छे लगते हैं। काश हम चंदा मामा से मिलने जा पाते या फिर उनके बारे में थोड़ा और जान पाते। क्यों नहीं जान सकते? मैं किसी को जानता हूँ जो हमें चंदा मामा के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। क्या सच? मुझ कल सुबह हम प्रोफेसर धूमकेतु से मिलने जाएंगे। भीम, अंतरिक्ष में तुम सब अपना ख्याल रखना और हाँ, धरती से ज्यादा दूर मत जाना। जरूर अवि चाचा, हम चंदा मामा को जल्द ही ढूंढकर वापस धरती पर आ जाएंगे। ठीक है, अलविदा बच्चों। अलविदा। वहाँ देखो राजू, कितने सुंदर तारे हैं। हाँ चकू, अंतरिक्ष तो बहुत ही सुंदर है, इतने बड़े बड़े ग्रह। सैटर्न ग्रह के रिंग्स पर हम बढ़िया रेस कर सकते हैं। कालिया, तुम्हारे आइडियाज का तो जवाब नहीं। थोड़ी और दूर जाकर देखते हैं। फिर से वही आवाज। मुझे भी सुनाई दे रही है, लगता है कोई रो रहा है। भीम, बाहर देखो, चंदा मामा। अरे चंदा मामा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? हेलो दोस्तों, जब मैं धरती के पास था तब एक एस्ट्रॉइड ने गलती से मुझे मार दिया और मेरा एक टुकड़ा टूटकर कहीं दूर चला गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं और अब मैं चंदा मामा की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हूँ। मत रोइए चंदा मामा, आपके टुकड़े को ढूंढने में हम आपकी मदद करेंगे। सच? मुझ। मामा देखो, वो टुकड़ा तो बिल्कुल चंदा मामा के टुकड़े की तरह लग रहा है। चलो चलो। वो रोशनी कैसी है? उधर जाकर देखता हूँ। दोस्तों जल्दी इधर आओ, लगता है यही है चंदा मामा का टूटा हुआ टुकड़ा। चलो। इसकी रोशनी तो बिल्कुल चंदा मामा जैसी है और इसका आकार भी बिल्कुल टूटे हुए हिस्से की तरह ही है। और ये तो मुझे अपने तरफ खींच भी रहा है। आ, 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 आ,
वाह चंदा मामा, आप तो बहुत सुंदर लग रहे हो। है ना, मेरा टुकड़ा मुझे फिर से मिल गया। ये मामा से हमारी धरती कितनी खूबसूरत दिखती है।